अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा ये वीडियो थोड़ा सा ज़रा देरी हो गई बनाने में, काफ़ी दिन का गैप हो गया बीच में, और मैं वेट कर रही थी कि मैं ईद पे आपको दो तीन अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ दे दूँ। तो ये मैंने लिया है, ये मैं आज बना रही हूँ लेबनीज़ टिक्का। बहुत ही मज़ेदार आसान सी ये रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस मीट लिया है। इसमें आप बीफ या मटन कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये मटन लिया है। और इसकी बोटियाँ छोटी छोटी सी कर लें क्योंकि पकाने में ये आसानी रहती है, बड़ी बोटियाँ देर में गलती हैं। तो ये मैंने आधी आधी इंच की छोटे छोटे से ये पीसेस कर लिए हैं गोश्त के। ये 1 कप दही है और ये 1/2 कप वाइट विनेगर है, 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है, 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं जो कि मैंने बारीक काट के रखी हैं, ये माइल्ड है। आप इसकी जगह बुलेट चिलीज़ ले लें या मोटी वाली चिलीज़ लेके उसको गोल काट के रख लें। 2 मैंने मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी प्याज थी वो 2 मैंने बहुत बारीक चॉप करके रखी हैं, और 1/2 कप हमको तेल की ज़रूरत होगी। अब सबसे पहले हमको ये करना है कि ये जो नमक और मिर्च है ये हम मिलाएंगे दही में, और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। और ये मैंने ये जो वाइट विनेगर है इसके अंदर हम ये हरी मिर्च और प्याज मिक्स करके रखेंगे। ये दोनों चीज़ें तैयार करके रख लें, तेल गरम कर लें, और सबसे पहले हम ये इसमें बोटियाँ डालकर तलेंगे। ये तेल गरम हो गया, ये मैंने 1/2 कप तेल लिया है, और इसमें अब हम ये बोटियाँ डाल के इसको 2 मिनट तलेंगे। अच्छा, इसको हम जो पका रहे हैं ये जितने टाइम मैं बताऊंगी आपको इसको फुल आंच पे ही रखना है। अब ये हमको जो बोटियाँ तलना है ये हम फुल फ्लेम पे तलेंगे, और इसको इतनी देर तलना है कि इसका रंग चेंज हो जाए गोश्त का। अब इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इसको मैंने फुल फ्लेम पे पकाया है। वैसे तो मुझे इसको 5 मिनट तलना था लेकिन इसने पानी छोड़ दिया गोश्त में, तो जब तक कि पानी नहीं सूखेगा हम इसका नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकते। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर गोश्त तलते वक्त पानी बहुत आ जाए तो आप पहले उसको कम्प्लीटली सुखा लीजिएगा, फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो अब ये सूख गया, इसको कम से कम 7 से 8 मिनट हो गए, सूख गया अच्छी तरह। अब हम इसमें, अच्छा इसकी आँच जो है ये फुल रहेगी थ्रू आउट, जब तक हम पका रहे हैं फुल ही रहेगी। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये 1 चम्मच दही जिसमें मैंने नमक और मिर्च मिक्स करके रखा था, ये हम डालेंगे इसमें, और इसको हम भूनेंगे जब ये पूरा ये सूख जाएगा दही पूरा, फिर हम इसमें दूसरा वाला स्टेप करेंगे। जब आपको लगे कि ये दही से सूख गया तब इसमें हम फिर दूसरी चीज़ डालेंगे। अब देखें ये दही सूख गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो सिरका लिया था और प्याज और हरी मिर्च, ये इसका 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें, इसको भी हम भूनेंगे। और इसी तरह हम अल्टरनेट, एक मरतबा दही डालेंगे, एक मरतबा हम प्याज और सिरका डालेंगे, इसी तरह से इसको हम भूनते जाएंगे डालते जाएंगे, और जब तक कि दोनों चीज़ें पूरी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाती। अब देखें इसको तलते हुए मुझे 20 से 25 मिनट हो गए और इसमें 80% ये गोश्त गल गया। इसमें मैंने अल्टरनेट 1 चम्मच दही का 1 चम्मच सिरके का इस तरह से डाल के अब ये पूरा फिनिश हो गया हमारा सिरका और दही। और इसमें अभी थोड़ी सी कसर है, ये अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और उसको गलना है, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। और इसको अब मैं रख दूंगी बिल्कुल सिमर पे, इसको मैं कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, और ये 10 मिनट में ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। या आप इसको चेक कर लें, अगर आपको लगे कि आपके हिसाब से ये तैयार हो गया तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। मुझे इसमें लग रहा है थोड़ा सा मुझे इसको गलाना है, ये मेरे हिसाब से ये वैसे तो ये गल गया है लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट गोश्त खाया जाता है, तो ये इसमें थोड़ा बस थोड़ी सी देर में इसको ज़रा सा पकाऊँगी 10 मिनट, और बस फिर इसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। और ये लीजिए हमारे लेबनीज टिक्के बिल्कुल तैयार हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके जो इसमें जो मसाले हैं वो बहुत ही माइल्ड फ्लेवर्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ कोई चीज़ नहीं डाली मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ मसाले इतने डाले जाते हैं गोश्त में कि गोश्त का जो ओरिजिनल मज़ा है वो दब जाता है मसालों में।
तो ये बहुत ही हल्का फुल्का सा है। इसमें आप ऊपर से चाहें तो चाट मसाला डाल के सर्व कर लें, आप चाहें तो इसके साथ कोई चटनी अपनी पसंद की भी आप रख सकते हैं। इसको आप पराठे के साथ या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।